हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः, अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को जब प्रत्यावर्तन किए धर्म और ज्ञान के साथ, तो कहते हैं कि कलौ नष्टा दुषा मेष पुराण और को धुनादित। इस कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार में जर्जरित ये जो मनुष्य समाज है, इनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञानालोक प्रदान करने के लिए वही परम भगवान श्री कृष्ण पुनः अवतरित हो गए, पुनः प्रत्यावर्तन किए। किस रूप में? श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप में। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये नाम पुराण है। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह श्रीमद् भागवतम में भगवान के, परम भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि से संश्लिष्ट है, परिपूर्ण है। तो ये श्रीमद् भागवतम का पठन पारायण भगवान नाम संकीर्तन के समान है, इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये नाम पुराण है, ये ब्रह्म संहितम अर्थात ये साक्षात वेद के समान है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये श्रीमद् भागवतम उत्तम श्लोक भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से संश्लिष्ट है, और इसको भगवान ऋषि भगवान वेद व्यास ने इसको प्रणयन किया है, इसको संग्रहित किया है और इस पूरे हमारे मानव समाज को उन्होंने दिया है। ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। आगे कहते हैं, इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मयी मूर्ति है, अर्थात वाणी का अवतार है, साहित्यिक अवतार है। परम भगवान श्री कृष्ण में और साक्षात ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में रंच मात्र में भी अंतर नहीं है। वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। जिस स्थान में जिस समय श्रीमद् भागवतम का शास्त्र का कीर्तन होता है, अर्थात कोई कथा कीर्तन करते हैं, और जहां ये श्रवण होता है, जिस स्थान में जिस समय श्रीमद् भागवतम का कीर्तन होता है और श्रवण होता है, उसी स्थान में श्री कृष्ण भगवान स्वयं विराजते हैं। ये इतना सुंदर महिमा है इसके। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो बल्लभीर भी विराजते। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च, जिस स्थान में जिस समय जहां भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक या श्लोकार्धम आधा श्लोक भी कोई पाठ करता है, पठन करते हैं, तो तत्रापि भगवान कृष्ण, एक पूर्णतया श्रीमद् भागवतम के भी नहीं, अगर कोई एक श्लोक या आधा श्लोक भी अगर पठन करते हैं, तो उस स्थान में साक्षात भगवान कृष्ण बल्लभीर भी विराजते, अपने संगी पार्षद गोपियों के साथ उस स्थान में विराजमान होते हैं। यह श्रीमद् भागवतम की पाठ का महिमा। कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम पितुर्मातृश्च भार्यायाः कुल पंक्ति सुतारिता। सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र को जो नित्य पाठ करते हैं, नित्यम यही परिसेवितम, श्रीमद् भागवतम शास्त्र को जो नित्य पाठ करते हैं तो क्या लाभ होता है? कहते हैं, पितु पिता के कुल, मातृ माता के कुल, भार्या या पत्नी के कुल, या पत्नी के लिए पति के कुल, तीन कुल, पिता के कुल जितने हैं, माता के कुल जितने हैं, और भार्या पत्नी या पत्नी के लिए पति के कुल, ये तीनों कुल
कभी भी अधोगामी नहीं होते हैं। इन तीनों कुल का ऊर्ध्वगति होता है, सदगति होता है। सुतारिता ये तारण करने वाला है और सबके उद्धार होते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन और श्रवण का महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु पंचांग भक्ति का वर्णन किए हैं, कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो साधु संग, फिर नाम संकीर्तन, भागवत पाठ श्रवण, मथुरा धाम वास और विग्रहों की सेवा, ये पंचांग भक्ति को महाप्रभु श्री चैतन्य ने श्रेष्ठता बताए, श्रेष्ठ बताए हैं। तो उसमें जो श्रीमद् भागवतम पाठ का वर्णन करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं वास्तव में श्रीमद् भागवत का पाठ का अर्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ है श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादनम रसिके ही सह। अर्थात एक तो है कि रोज पाठ करना, पारायण करना या पढ़ना, वो भी ठीक है, लेकिन महाप्रभु जो चाहते थे हम भक्तों से कि वास्तव में भागवत को पाठ या पठन कैसा करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम अर्थ आस्वादनम, प्रत्येक श्लोक का, शब्दों का, अर्थों का खोल के आचार्यों के टीकाओं से पढ़ के उसका आस्वादन करना। एक होता है केवल एक पढ़ लेना धारावाहिक रूप से, दूसरा होता है कि एक एक श्लोक के शब्दों के अर्थों का आस्वादन करना हमारे आचार्यों के टीकाओं से सहायता लेके। और किसके साथ, किन किन भक्तों के साथ बैठ के श्रीमद् भागवतों का पाठ करना है, कहते हैं रसिके ही सह, अर्थात जो प्रेमी भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, ऐसे भक्तों के साथ बैठ के जिन्होंने श्रीमद् भागवतों को पाठ पारायण अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन इत्यादि किए हैं, ऐसे भक्तों के साथ बैठ के श्रीमद् भागवतम को अगर हम पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये है महाप्रभु के द्वारा बताई गई पंचांग श्रेष्ठ भक्ति में से एक है कि श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना। ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भागवत का पाठ एक अलग बात है, लेकिन आस्वादन करना ये महाप्रभु चाहते थे। और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे संस्था के मेरे जितने भी अनुजाई हैं, मेरे जितने भी भक्त हैं, वो सब भागवतम के नित्यम भागवत सेवया, कहते हैं प्रतिदिन भागवत के श्लोक को अलग अलग आचार्यों के टीकाओं से, अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से उसको पढ़ें और समझें। ये हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे। तो प्यारे भक्तों, आने वाले इस गर्मियों के छुट्टियों में हम अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से एक सुंदर प्रकरण शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम के सबसे पहला स्कंद, प्रथम स्कंद, जिसको भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में शांति, बहुत ही शांति और सुकून में बैठ के व्याख्या किए हैं, तथा भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अलावा और आचार्यों ने उस प्रथम स्कंद के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या और टीका दिए हैं। तो इन सब व्याख्याओं को हम बारी बारी में श्रवण करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद से, और इस सत्र, इस सीरीज का नाम दे रहे हैं भागवत प्रवाह। इस भागवत प्रवाह में हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, एक एक श्लोक को आचार्यों ने जो व्याख्या किया है टीकाओं से श्रवण करेंगे, आस्वादन करेंगे, और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नित्यम भागवत सेवया और कीर्तनीय सदाहरि दोनों एक साथ साथ चलने चाहिए। नित्यम भागवत सेवा अर्थात प्रत्येक दिन हम भागवत को पढ़ेंगे और प्रत्येक दिन नाम संकीर्तन करेंगे। तो जिस दिन हम इस कक्षा में भागवतम की व्याख्या करेंगे, उसके अगले दिन आप लोग उसको घर बैठे पढ़ के समझ के उसको मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, फिर दूसरे दिन फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अभी एक बहुत ही सुंदर प्रकरण शुरू कर रहे हैं। सबसे विनती है, करवत विनती है कि आप स्वयं इस भागवत प्रवाह कोर्स जो शुरू होने जा रहा है, इसमें स्वयं पंजीकरण करें और इसको और दूसरे भक्तों को, जो भी भागवत के प्रेमी हैं और जो भी इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी आप इसको
मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और उन लोगों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि घर बैठे हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से हम श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक को आचार्यों की टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे और उसमें गोते लगाएंगे और उसके गहराई में प्रवेश करेंगे। और यही जो श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हमें, हमारा प्राधान्यता यही दो है, एक है भगवान नाम संकीर्तन जप और भागवत का पाठ, और वो भी रसिक भक्तों के साथ। तो आप सबसे करवत विनती है, आप खुद इस कोर्स में पंजीकरण करें तथा दूसरों को आप प्रेरणा दीजिए वो भी पंजीकरण करें। और आने वाले गर्मियों के मौसम में अक्षय तृतीया के शुभ पावन अवसर पर, जब अक्षय तृतीया इतना शुभ मुहूर्त है कि उस दिन से जो भी शुभ कार्य करते हैं वो हमेशा स्थायी रहता है, वो नित्य होता है। तो आप सब कृपया हमारी विनती को स्वीकार कीजिए और आइए हम सब मिलके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, पठन, श्रवण, मनन, चिंतन करें। धन्यवाद।